बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट चिकन बिरयानी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन। और सबसे पहले आलू छील के कटिंग करके बड़े बड़े पीसों में मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, नमक मिर्च और जर्दी का रंग डाल के। और प्याज मैंने आधा किलो प्याज ली है 1.5 किलो चावल के लिए, और उसको मैंने तलने के लिए रख दी है प्याज। और उसके अंदर सौंफ, कड़ी पत्ता और साबुत गरम मसाला, जितना आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सौंफ 2 चमचे भर के डाली है और कड़ी पत्ते के 2 टहनियाँ डालने, सारे पत्ते डंडी से तोड़ के। गरम मसाला आपकी मर्जी पे है, मैंने थोड़ा सा लिया है, थोड़ी दालचीनी, साबुत बड़ी इलायची जो होती है वो, और लौंग, काली मिर्ची, सब थोड़ी थोड़ी डाली हैं। और ये देखिए मेरे पास 1/2 किलो टमाटर हैं। दही मैं इसमें डालूंगी 1 पाव, अदरक लहसुन के 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून। प्याज देकर अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुकी है। जो मेरे पास 1.5 kg चिकन है यानी 1.5 किलो चिकन, वो मैं इसमें पूरे 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, चिकन को भूनूंगी इस प्याज में, कड़ी पत्ते और सौंफ में। इधर चावल मैंने वॉश करके रख दिए हैं पानी डाल के, ताकि चावल आधे घंटे के लिए अच्छे से भीगे रहें। और चिकन में मैंने देखे नमक डाला है, आप नमक अपनी मर्ज़ी से, कुछ कोई तेज़ नमक पसंद करता है, कोई कम, हस्बे ज़ायका नमक ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैं 4 चमचे डालूंगी, 4 टेबल स्पून। और एक बड़े साइज़ का लीमू निचोड़ूंगी। और जो चावल उबालने के लिए पानी में गर्म करने मैंने रखा है, ये लीमू के छिलके उसमें मैं डाल दूंगी, इससे चावल जो है बड़े खिले खिले पकते हैं। ये स्टूडेंट बिरयानी की जो रेसिपी है, बहुत यम्मी बिरयानी है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। 2 शान के बम्बई स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। कभी कभी सिंधी बिरयानी भी ले लेती हूँ उसका मसाला। ये देखें 2 साशे मैंने इस चिकन में 5 मिनट भुनने के बाद ऐड कर दिए हैं। बस इसको अब मज़ीद 2-3 मिनट और भुनेंगे। और ये देखें 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, इससे ज़्यादा नहीं। जिसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी रखनी है तो लाल पिसवी मिर्चें ज़्यादा रख सकता है। और सिर्फ जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन 1 कप पानी समझ लें, ऐड करके और चिकन को जो है भुनने के लिए रख दिया है। टमाटर मैंने तकरीबन 1/2 किलो जो आपको दिखाए थे, 1/2 किलो टमाटर मैंने कटिंग करके डाल दिए हैं। और पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून ऐड की। और दही जो 1 पाव मैंने बताई थी आपको, 1 पाव दही डालूंगी, वो फेंट के अच्छी तरह वो मैंने मिक्स कर दी है। और 1 कप पानी, उसी दही के प्याले में 1 कप पानी डाल के मैंने वो डाल दिया है। चिकन जो है ना, वो दही और टमाटरों ही के पानी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी गल जाती है चिकन, लेकिन फिर भी मैं 1 कप पानी डाला है, ताकि जो बिरयानी का हम ये कोरमा तैयार कर रहे हैं ना, बिरयानी का सालन, इसमें थोड़ा सा शोरवा रहे। वरना फिर बिरयानी जो है ना, हमेशा याद रखें कि बिल्कुल खुश्क बनती है, तो हमें बिरयानी थोड़ी जूसी भी रखनी है, ताकि खाने में बहुत मज़ा आए। इधर पानी जो खौल गया था, खूब अच्छा सा बॉयल हो गया था, तो जो मैंने आधे घंटे से चावल भिगोए हुए थे वो मैंने पतीले में डाल दिए हैं। इधर ये देखें, ये हमारा सालन तैयार है। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, हरा पुदीना, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आलू जो मैंने बॉयल किए थे, जर्दे का रंग डाल के, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक सब डाल के आलू बॉयल किए थे, तो वो भी मैंने उस कोरमे में मिक्स कर दिए हैं। इधर ये देखें, ये चावल बॉयल हो रहे हैं। चावलों को सिर्फ 90% हमें जो है बॉयल करना है। अब मैंने तह लगानी देखी शुरू कर दी है, और उसके बाद मैं 2 तह में ये बिरयानी करूँगी, 2 स्टेप में। पहले चावलों की तह लगानी है, और जो बिरयानी का वो हमने कोरमा तैयार किया ना, उसका जो ऑयल होगा वो चावलों के किनारे किनारे भी डाल देना है पतीले में, ताकि चावल नीचे से ना लगे ना, पतीले से चिपक ना जाए। थोड़ा सा धनिया पुदीना छिड़क दीजिए। जर्दे का रंग मैंने 1/2 कप दूध में 1 टीस्पून जर्दे का रंग घोला था, और वो भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ साथ में। सालन की 1 तह लगाई, फिर चावल मैंने उसमें पतीले में डाले, फिर 1 और तह लगाई। और ये देखिए, पूरे 10 मिनट मैंने धीमी आंच में इसको दम पे लगाया बिरयानी को, और ऊपर एक कपड़ा भी लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये स्टूडेंट बिरयानी कैसी लगी आप सबको।
और कड़ी पत्ता बिरयानी में ज़रूर डाला करें। कड़ी पत्ते के वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं और बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आती है।